section 16 subsection 2 clause c, आप सब ऑनेस्ट बायर है, जेन्युइन एंड ऑनेस्ट बायर। काले साहब इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इन भाइयों ने मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने जमा नहीं कराया, मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, डिपार्टमेंट इनसे आके बोलता है तू रिवर्स कर अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ये बोलते हैं सर सप्लायर को दे दिया एक, अब आप हमसे रिवर्सल कराते हैं दो, ये तो डबल बेमी हो गया। और ये बोलते हैं मेरा दोष क्या है, सर हम दोनों को रजिस्ट्रेशन देने वाला डिपार्टमेंट बिमल को नहीं पकड़ेगा, आपके पास जाके बोलता है कि टैक्स जमा नहीं हुआ तुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। एम आई राइट? ये बेचारे रो रहे हैं, पैन इंडिया रो रहे हैं। एम आई राइट? वी ऑल आर क्राइंग राइट? तो मुझे आपसे वोटिंग करवानी है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी बोलता है कि अगर सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को मिला ही नहीं है टैक्स, क्वाइट ऑब्वियस वो बोलेंगे कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा वाले कितने हैं? ओके ये जो हाथ उठा रहे हैं ये बड़े ब्रेव बच्चे हैं। नो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम, ये ब्रेव बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट कि सर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि सर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला लेकिन फिर भी हमको क्रेडिट मिलेगा? नहीं नहीं ये तो इनका आंसर ये नहीं है मिलेगा, ये बोलते हैं मुझे चाहिए। Am I right? आज मैं आपको एक क्रेडिट दिलवा के जाऊंगा और विद इन प्रोविजन दिलवा के जाऊंगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सो कॉज नोटिस आया है जहां पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी की वजह से वो बोलता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको क्या रिप्लाई करना है? आर वी ऑल रेडी नाउ? समझ गए हैं ना? समझ गए हैं? परफेक्ट। आवाज ऐसा आना चाहिए कि हां आपका है प्रॉब्लम। और आज फ्री में ओपिनियन है, फ्री, नो चार्जेस, नो कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना है आपको। दिस इशू इज नॉट ए न्यू इशू, इट वॉज देयर इन प्री जीएसटी एरा ऑल्सो। प्री जीएसटी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट आपको सैंडविच में या मॉडबेट में मिलती थी। सप्लायर ने पैसा ले लिया लेकिन जमा नहीं कराया, क्वाइट ऑब्वियस प्री जीएसटी में उन्होंने बायर से कहा तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कांट डिनाई क्रेडिट ऑफ बायर, कांट डिनाई फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यानी सप्लायर के फॉल्ट की वजह से आप बायर की क्रेडिट को डिनाई, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई एम टेलिंग यू। इवन वैट रेजीम, ऑल द हाई कोर्ट एक्सेप्ट बॉम्बे हाई कोर्ट, अब ये बड़ा लोचा है, दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट अराइज इंडिया, ऑल द हाई कोर्ट हैज सेड फॉल्ट ऑफ सप्लायर योर क्रेडिट कांट बी डिनाइड। बट बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट महालक्ष्मी कॉटन केस, जैसे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैटर हैज गॉन इन जीएसटी रेजीम इन मद्रास हाई कोर्ट, डी वाई बेथल एंटरप्राइजेज, डी वाई बेथल एंटरप्राइजेज। उसमें यही हुआ कि आपका क्रेडिट रिवर्सल करने के लिए डिपार्टमेंट पहुंच गया, इंटरेस्ट पेनाल्टी। अब इस बंदे ने रिट पिटीशन डाला मद्रास हाई कोर्ट में, मदुराई बेंच, एंड टू पॉइंट वॉज आर्ग्यूड। लिसन दोज टू पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट, लॉटसिप, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट आर कंसर्न। आई हैव पेड द अमाउंट टू द सप्लायर, सप्लायर डिड नॉट डिपॉजिट।
लॉर्ड साहब मुझे तो मालूम ही नहीं था कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया। तो लॉर्ड साहब ने पूछा तुझे कैसे नहीं मालूम था? तो पेटिशनर बोलता है कोर्ट से, लॉर्ड साहब डिपार्टमेंट वॉज सपोज टू ब्रिंग टू वे से ही तो हमको मालूम पड़ता है। लॉर्ड साहब जनवरी 2019 में टू वे आया, यानी उससे पहले तो मेरे पास कोई विंडो ही नहीं थी कि मुझे मालूम पड़े कि सप्लायर ने टैक्स ले लिया और जमा नहीं कराया। लॉर्ड साहब सुप्रीम कोर्ट सेटल जुरिसप्रूडेंस डॉक्ट्रिन लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया। व्हाट इज मीन? यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। लॉर्ड साहब टू वे नहीं था, मुझे कोई विंडो अवेलेबल नहीं है, अंटिल जनवरी 2019 टू वे नहीं आया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सप्लायर ने जमा नहीं कराया? आपको समझ में आ रहा है ना? एंड इट्स द आर्गुमेंट राइट। बट मैं एक चीज ऐड और करूं, अब तो टू वे आ गया है ना, कैन यू से विथ सर्टेनिटी कि आपके सप्लायर ने जमा करा दिया है? यस और नो? नो वे, क्योंकि इनवॉइस लेवल पे मैचिंग। मेरे 10 लाख का टर्नओवर है, 5 लाख का इनवॉइस मैंने आपको दिया है और 5 लाख किसी और को दिया है। मैंने 1 भी 5 लाख का भरा, 3 भी 5 लाख का भरा, आपका तो पेमेंट मैंने किया ही नहीं और मेरा स्टेटस दिखेगा फाइल्ड। इनवॉइस लेवल पे मैचिंग इवन टू वे आने के बाद। तो पहला आर्गुमेंट ये था। सेकंड आर्गुमेंट, लॉर्ड साहब दे नो, डिपार्टमेंट नो बोथ ऑफ अस, सप्लायर एंड रिसीपिएंट। Why they are coming back to us only? Why they are not going and catch holding of Bimal's neck? Bimal ko aap pakadte nahi hai. Aap mere paas aate ho aur mujhse bolte ho tujhe reversal karna padega. Lordship, it is so unjust. They must go and catch hold of Bimal Jain. And Honorable Madras High Court has held that you can't demand reversal from the buyer. You can't demand unless you take action against the defaulting supplier. Do you think this is a good judgment? Do you think good judgment? Lekin jab tak hum thoda enjoy karte, hum Patna High Court pahunch gaye. On constitutional validity of section 16, subsection 2, clause C, Patna High Court ne bola Bimal band kar, bahut drama kar raha hai. गवर्नमेंट को पैसा मिला नहीं और तू क्रेडिट लेने की बात कर रहा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट वॉज सो स्ट्रिंजेंट, उन्होंने कहा कि तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया है। तो मैं मनी मन सोच रहा था फिर बिजनेस बंद कर देता हूं, अगर मुझे ही यह देखना है कि सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया तो बिजनेस कब करूंगा मैं? आपकी गवर्नमेंट मशीनरी क्या कर रही है? बट पटना हाई कोर्ट, आस्था इंटरप्राइजेज इज अगेंस्ट मी, सो वी आर अगेन, हम लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन। अब मैं जो आपसे कहने वाला हूं, दैट इज द ब्यूटी लास्ट ओवर ऑफ 2020 मैच। और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, इफ यू कोट दिस प्रोविजन एंड यू विल बी कन्विंस्ड टूडे, सर अगर ये प्रोविजन हमने कोट कर दिया तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। आर यू ऑल रेडी टू लिसन? आर यू ऑल रेडी? पक्का ना? आवाज नहीं है, पक्का ना? देखिए मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं मालूम है? दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर विच इज येट टू बी टेस्टेड। अभी हाई कोर्ट में नहीं गया है, पटना हाई कोर्ट में भी डिस्कशन नहीं हुआ इस पॉइंट पे, ये आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे। तो जो आने वाले टाइम पे सुनेंगे उसको मैं आज सुना रहा हूं। तो हम बोलते नहीं, जाग जा, समय ये बता रहा है तेरे को, तो इसलिए जाग जाइए क्या बोलने वाला हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो सेक्शन 41 सबसेक्शन 2? कितने लोगों को 41 सबसेक्शन 2 मालूम है? प्लीज रेज योर हैंड। 41 सबसेक्शन 2 किसी को नहीं मालूम? रूल 37A किसी को मालूम?
एक बंदा हाथ उठाया और ओनली वन हैंड. सर एक चीज बोलूं आप लोगों से, बुरा नहीं मानेंगे ना. अच्छा आप लोगों में कितने लोग हैं जीएसटी रिटर्न भरने का काम करते हैं, आप तो हाथ उठाइए. कितना कितने लोग रिटर्न भरते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन. और कितना हमको फीस मिलता है? सर बोलिए ना कितना फीस मिलता है. 1000, 500, और कोई? सर अब हमको शर्म आ रही है अपनी फीस बोलने में. डू वी वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस? क्या हमको ये काम करना है? सर नहीं. आने वाले टाइम में दिस इज बिकमिंग आलू प्याज. प्लीज एक्सीलेंसी लेके आना पड़ेगा. प्राइस आपको वहां से मिलने वाला है. और एक्सीलेंसी के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करना पड़ेगा. और पढ़ाई पढ़ते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि बिमल जी को 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार सुनना पड़ेगा और अपना इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा. मैंने आपसे पूछा 41 सबसेक्शन 2 कितने लोगों ने सुना? नन रेज द हैंड्स. और फिर हम कहते हैं हमको फीस नहीं मिलती. हमको फीस मिलेगी कैसे? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता. मरना पड़ता है और मरने के लिए टाइम देना पड़ता है. am I right? So this is the beauty of this particular topic. Listen very carefully. 41 subsection 2, madam, look at me. You can see provision later. I really keep all the provision in my CPU. So whatever I'm teaching today, you can rest assured I'm teaching you at par, and you can find the provision later on in the act itself. It got notified from 1st October 2022. 1st October 2022 se notify kiya gaya. Ye prospectively notify hua, retrospective nahi hua. Abhi provision hai kya sun lijiye. ध्यान से सुन लीजिए. प्रोविजन ये है, अगर आपका सप्लायर इज डिफॉल्टिंग इन पेमेंट ऑफ टैक्स, यू नीड टू रिवर्स अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड यू कैन रीअवेल वेन एवर इट इज पेड बाय योर सप्लायर. आपको समझ में आ गया प्रोविजन? पहले बता दीजिए. समझ में आ गया? Now look at the beauty of interpretation now. ये कहता है 41 subsection 2 के आपको reverse करना पड़ेगा along with interest अगर आपके supplier ने pay नहीं किया. ये provision prospective है. Got notified from 1st October 2022. अच्छा प्रोविजन आया तो डिपार्टमेंट अब कोर्ट में जाएगा. DY बेथल में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ना, यू कांट डिमांड रिवर्सल फ्रॉम द बायर. अब एक कोर्ट में जाके कोर्ट से कहेंगे लॉर्डशिप 41 सबसेक्शन 2 ये हमको पावर देता है कि हम इनसे रिवर्सल करवा सकते हैं. राइट? और मैं कोर्ट से कहूंगा, we all will say to the court, lordship, yes, they can demand reversal, but lordship, this is prospective one, meaning thereby this reversal provision, if at all required, it would be on or after 1st October 2022. yani prior to 1st October 2022 aap mujhse reversal. अगर रिवर्सल का प्रोविजन आपने 1st अक्टूबर 2022 से लेके आए और प्रोस्पेक्टिव है, तो इसका मतलब पास पीरियड के लिए रिवर्सल का कोई प्रोविजन आपको अगर कलेक्ट करना है तो सप्लायर से लेना पड़ेगा. सो यू कैन डिमांड रिवर्सल फ्रॉम अस. डू ऑल एग्री? डू ऑल एग्री? इट नीड टू बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अभी तक ये वाला आर्गुमेंट किसी भी जजमेंट में नहीं पिक किया गया. सेकेंड कॉन्टेक्स्ट, रूल 37A. चूंकि आपको मालूम नहीं है इसलिए आप कोरिलेट नहीं कर रहे.
It got notified on 26 December 2022. 26 दिसंबर 2022 में 24 में हूं और हमको प्रोविजन नहीं मालूम. कैसे जीतेंगे रामायण? रामायण जीतने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी. 37A क्या बोलता है मालूम है? 37A बोलता है कि मान लीजिए 1 मई 2022 की इनवॉइस है मेरी, 1 मई 2022 की इनवॉइस है, मैंने आपको रेज की, आपने मुझे पेमेंट कर दिया, बट मैंने जमा नहीं कराया. रूल 37A बोलता है आपको क्रेडिट मिल जाएगा इवन दो मैंने जमा नहीं कराया, सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 1, ये सप्लायर 1 मई 2022 की इनवॉइस है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक 3B के जरिए ये पेमेंट कर दे. अगर सप्लायर ने 30 सितंबर 23 तक पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2023. आपको याद आ रहा है प्रोविजन? अब याद आ रहा है? याद आ रहा है? सी यस नो, आ रहा है या नहीं आ रहा? That was rule 37A and got notified only from 26 December 2022. यानी मैंने payment नहीं किया फिर भी आपको credit मिलेगी. Only condition आपका supplier 30 September 23 तक payment कर दे. अगर मैंने नहीं किया तो आपको reverse करना है. तो मैंने आपसे कहा था ना prior to 1st October 2022 department आपसे reversal नहीं मांग सकता क्योंकि प्रोविजन 41 सबसेक्शन 2 भी आपका 1 अक्टूबर 2022 से आया और रूल भी 26 दिसंबर 2022 से आया. एम आई क्लियर टू ऑल? अब मैं आपका टेस्ट लेना है मुझे, अब टेस्ट लेना है. मान लीजिए अब आपको रिवर्स करना है, मैंने पे नहीं किया 30 सितंबर 23 तक मैंने पेमेंट नहीं किया, अब आपको रिवर्स करना है. रिवर्स की डेट है 30 नवंबर 2023. इंटरेस्ट लगेगा क्या? लगेगा. हाउ मेनी ऑफ यू से लगेगा? हाथ उठाइए. लगेगा. और नहीं लगेगा? सर ना एक ऑडियंस यहां पे ऐसी बैठी है जो सर नहीं मजा आ रहा आप लोगों के साथ. आई एम नॉट लाइकिंग इट. आपको मेरा साथ देना पड़ेगा. हां या अगर 30 नवंबर तक की डेट है, 30 नवंबर को आप रिवर्स कर रहे हैं, क्रेडिट आपने 1 मई 2022 की इनवॉइस पे ले लिया था, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ये मेरा क्वेश्चन है. लगेगा? अच्छा लगेगा वाले पहले हाथ उठाइए. और बीच में कोई नहीं मांगता. और नहीं लगेगा? आम ऑफ द व्यू नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. अगर 30 नवंबर के बाद अगर आप रिवर्स करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा. सेकेंड पॉइंट, मान लिया ये रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट है, 30 नवंबर तक मैं रिवर्स नहीं कर पाया, मैंने 1 जनवरी 24 को जाके रिवर्स किया बट रॉन्गली अवेल था लेकिन मैंने यूटिलाइज कभी नहीं किया, तो मेरा व्यू ये है कि इवन 1 जनवरी 24 को भी रिवर्स अगर आप करते हैं तो भी इंटरेस्ट, फॉर द सिंपल रीजन रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड. सर पक्का ना? हां ये थी सीखने का. ये प्रोविजन से समझ में नहीं आएगा, ये तो जब अंदर जाएंगे तब मजा आएगा. एम आई राइट? अब एक और टेस्ट ले लूं. कैन आई टेक वन मोर टेस्ट? अब आपका सप्लाई, आपने रिवर्स कर दिया 1 जनवरी 24 को, अब आपका सप्लायर ने पेमेंट किया आज के दिन,
आज के डेट 24, वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट? आज पेमेंट किया, अब आपको रीअवेलमेंट करना है। 22-23 की क्रेडिट है, टाइम पीरियड 30 नवंबर 23 था, आज सप्लायर ने 24 में पे किया है, आप रीअवेल कर लेंगे फॉर 22-23? हाउ मेनी ऑफ यू से यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो? दोज हु आर सेइंग नो, वेक अप फॉर रीअवेलमेंट। देयर इज नो टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। एम आई क्लियर टू ऑल? याद रखेंगे? अब मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, ट्रिक समझ लीजिए आप लोग। एक सफारी रिट्रीट के बारे में मुझसे कहा गया, सफारी रिट्रीट जजमेंट सुना हुआ है ना? सुना हुआ है? ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओडिशा हाईकोर्ट इन द केस ऑफ सफारी रिट्रीट, उन्होंने कहा आपको क्रेडिट मिलेगा। तो पहले समझ लेते हैं क्या है सफारी रिट्रीट, फिर मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको इस जजमेंट के साथ। मान लीजिए आप ये होटल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, मैं आपका कॉन्ट्रैक्टर हूं, आई एम योर कॉन्ट्रैक्टर, आई एम चार्जिंग जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस होटल, मॉल, योर ऑफिस और मैन्युफैक्चर का फैक्ट्री, सबके लिए मैं ये कंस्ट्रक्शन करके देता हूं। मैंने आपको जीएसटी चार्ज किया, आपको क्रेडिट मिलेगा क्या? हाँ या ना? एज पर प्रोविजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एज पर प्रोविजन नहीं मिलेगा। सफारी रिट्रीट में क्या आर्गुमेंट हुआ मालूम है? लॉर्डशिप, दिस होटल आई एम गोइंग टू सब्सिक्वेंटली लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड आई एम गोइंग टू चार्ज जीएसटी। If you don't give me credit on my construction, is it not breaking the supply chain? Seamless flow of credit? Lordship, कर क्या रहे हैं? फिर तो आप क्या सोचते हैं, मैं बिना ऑफिस बनाए सर्विस दे सकता हूं, बिना फैक्ट्री बनाए मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं, बिना मॉल बनाए लेटिंग आउट कर सकता हूं? नहीं हो सकता लॉर्डशिप। यानी मुझे कंस्ट्रक्शन पे क्रेडिट चाहिए, राइट? सफारी रिट्रीट पे हम सब लोग वॉच कर रहे हैं कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा, आप में से कितने लोग को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा? होना चाहिए, अलाउ करेगा। ओहो, दे आर सो होपफुल। ओहो, ये बंदे लोग ना बहुत अच्छे बंदे हैं, इनको इतनी इच्छाएं हैं ना जीएसटी में, मतलब इनका मन इतना दर्द कर रहा है कि मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए, तो जब जीएसटी लॉ बनाया था तो इन महारत, काले साहब बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं कोई वर्ड यूज कर लूं तो, इन महार, अच्छा हमारे साथ हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कह दिया काले साहब तो अब हमारे साथ हैं। सर, मैं कुछ अच्छा करने वाला हूं। लिसन, हम चाहते तो हैं क्रेडिट मिल जाए एंड दैट इज रीजनेबल, जेन्युइन डिमांड, बट आई एम ऑफ द व्यू इन माय पर्सनल राइट, माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ नहीं देगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो बीकेसी फुटस्टेप जजमेंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? उसमें क्या होता है मालूम है कि मान लीजिए मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है 18% पे, इनपुट सर्विस आ रहा है 18% पे, कैपिटल गुड्स आ रहा है 18% पे और मेरे आउटपुट पे 5% है, तो मेरे पास क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा, तो मुझे रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मिलेगा ना। अब क्वेश्चन यह था कि मुझे रिफंड इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स तीनों पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कैपिटल गुड्स तो पिक्चर में था ही नहीं, यानी कैपिटल गुड्स पे तो आपको रिफंड नहीं मिलना। इशू वॉज ओनली ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेस,
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा दोनों पे ले ले, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं मैं 54 सबसेक्शन 3 रोमन 2 सीजीएसटी एक्ट जब पढ़ता हूं वहां इनपुट लिखा है, इनपुट सर्विस नहीं लिखा, तो मैं तुझे इनपुट का ही रिफंड दूंगा, इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं दूंगा। मद्रास हाई कोर्ट कॉन्ट्ररी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत आर्गुमेंट हुआ, लॉट से मेरे यहां तो इनपुट पे भी हो रहा है एक्युमुलेशन, इनपुट सर्विस पे भी हो रहा है, कैपिटल गुड्स पे भी हो रहा है। आप मुझे इनपुट सर्विस, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिफिनीशन में आ जाएगा, आप रिफंड दे दीजिए। व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, यू नो, उन्होंने कहा बिमल जी बहुत दर्द हो रहा है आपसे, मुझे लग रहा है कि आपको मिलना चाहिए, बट आई कांट गो बियॉन्ड द प्रोविजन। अगर प्रोविजन में इनपुट लिखा है तो मैं आपको इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं दे सकता। इसमें भी देखिएगा यही होने वाला है। फिर उन्होंने कहा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जीएसटी काउंसिल के पास जाइए, यहां भी यही बोलेंगे कि भैया इफ यू वॉन्ट टू चेंज लॉ आई कांट गिव जजमेंट बियॉन्ड द प्रोविजन, इफ यू वॉन्ट यू फाइल योर रिप्रेजेंटेशन टू जीएसटी काउंसिल एंड गेट द लॉ एमेंडेड। सो ये होने वाला है सर। लेकिन मैंने आपको यह कॉन्टेक्स्ट क्यों याद दिलाया मालूम है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, राइट, एंड कॉन्टेक्स्ट था रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट बट नॉट यूटिलाइज्ड एंड री अवेलमेंट, राइट, याद आ रहा है। जब भी आपको लगे, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपको लगे कि कोई क्रेडिट डाउटफुल है तो सबसे पहले क्रेडिट अवेल कर लीजिए, क्लियर है ना, उसको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में जाके रिवर्स कर दीजिए। फिर मालूम पड़ा 2 साल बाद 3 साल बाद अरे ये तो क्लियर हो गया, इस पे क्रेडिट मिलेगा, तो देन आई नीड टू री अवेल द क्रेडिट, बट उसको एक्सपेंस में डेबिट मत कीजिएगा। अगर रिवर्स किया तो पार्क इट इन सम टेम्पररी अकाउंट। 3 साल बाद क्लैरिटी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सफारी रिट्रीट्स, री अवेल एंड वाइल री अवेलिंग टाइम लिमिट कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। आर यू ऑल गेटिंग इट? Are you all getting it? And this is how you can save all this credit. So, कई बार strategy, return से 500 रुपया 1000 रुपये भरना, you showcase these services to your client, कि boss मैं आपका return नहीं भर रहा, I am doing lot of activities जो आज तुझे नहीं दिख रही है लेकिन कल दिखेगी, so this is the price I am going to charge, and don't go for quantity, go for value.